दोबारा रिपीट करेंगे तो मेरे को ये एवरेज ऑटोमेटिकली सिस्टम में बनी बनाई मिलेंगी, और उसके अगेंस्ट में जितना फैब्रिक रिक्वायर्ड है उसकी एक रिक्वायरमेंट शीट भी निकल जाएगी। ठीक है, बॉम्ब बनाने का पर्पज जो है हमारा वो यहाँ पे ये सॉल्व होगा। सेकेंड, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो प्रोसेस बनाया हुआ था वो हमने बनाया हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, कि एम्ब्रॉयडरी के लिए हम कोई सर मैं एक चीज सजेस्ट करूं, अभी जैसे हम कर रहे हैं हम सिर्फ इश्यूएंस साइड को कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं पर स्टार्ट मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं हम जैसे ये तीन पर्टिकुलर फैब्रिक्स हैं इनकी पहले तो हम एंट्री कर लें अपने स्टॉक में एक्स अमाउंट की, बिल्कुल ठीक है। तो एक हम इसकी स्टॉक की एंट्री कर लें, फिर हम उसकी कन्वर्जन एंट्री देख लें जब हम जॉब वर्क में इशू कर रहे हैं कि वो क्या एंट्री आती है, फिर वो जॉब वर्क से जो इशुएंस के बाद रिसीविंग है उसका एक प्रोसेस हम समझ लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे एम्ब्रॉयडरी है उस पर तब जाए, सो दैट मेरे को क्लैरिटी रहेगी उससे। ठीक है, शुरू से शुरू कर देते हैं। मास्टर मैंने आपको दिखाया सर, उसमें क्लियरिटी है कि जो जो हमने प्रोडक्ट आपने दिए हैं वो हमने सिस्टम में एज ए फिनिश आइटम इसको बना दिया, रॉ मटेरियल की ये चार आइटम बना दिए विद फोर थ्री शेड्स। अब इसमें ये हमने स्टॉक एड किया है परचेज बिल के अंदर, मेरे पास इसका स्टॉक आया, मैंने अग्रवाल डाइंग लुधियाना से स्टॉक खरीदा सैंपल के तौर पर, हमने एक डमी परचेज चढ़ाई है, इसमें मेरे पास ये सारा फैब्रिक आ गया सर। ओके ठीक है जी। अब इसमें जैसे आपने बोला था कि डाइड फैब्रिक आप खरीदते भी हो शायद, या आप जो है बनाते भी हो अपने पास, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास ओपन है कि अगर आप ग्रे फैब्रिक लेने के बाद उसको डाइंग करते हो तो डाइंग फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बार सिर्फ एक ये जो कह रहे हैं प्रोसेस बाद से शुरू होगा, डाई के बाद शुरू होगा, तो कौन सा जो इसमें लेते हैं जो बता दें? नहीं, वो डाइंग के बाद ही शुरू होगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास दोनों तरह का ऑप्शन है कि अगर हम ग्रे फैब्रिक लेके उसको डाइंग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डाइंग में, हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर हम डाइंग फैब्रिक ही खरीदते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन के लिए हमने ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो जो भी फैब्रिक में मीटर वाइज आया तो 50 रुपए, 500 मीटर लिया 30 रुपए के हिसाब से, जैसे ये अमाउंट आपने डाला होगा ना, कि मान लीजिए ये मेरा 30 रुपए के हिसाब से इनर आया है, और ऑर्गेंजा जो है मेरा वो मेरा पास आया हुआ 130। ये हमने क्या किया, शेड वाइज दिया अलग अलग। अगर ये फैब्रिक है, अगर ये ग्रे फैब्रिक ही है तो फिर इसमें एक ही फैब्रिक आएगा ग्रे वाला, मतलब ग्रे फैब्रिक आ जाएगा, बाकी कलर नहीं आएंगे। ठीक है, राइट। और अगर ये मान लीजिए डाइट फैब्रिक ही आ रहा है मेरे पास, तो हमने परचेज ही वैसे चढ़ा दी, ठीक है जी ये मेरे पास फैब्रिक आ गया, इसको मैंने इतना अपना परचेज कर दिया। अल्टीमेटली हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये आपकी परचेज एंट्री यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो गई। इसके बाद जब भी सप्लायर से कोई फैब्रिक आता है मेरे पास, यहाँ पे हमने एक चीज नहीं करी, वो ये होता है बेल नंबर। अगर आप बेल नंबर भी करना चाहते हो, हमने सिंपल इसको मीटर वाइज चढ़ा दिया यहाँ पे कि मेरा 500 मीटर है, बट इसमें क्या होता है मेरे पास यहाँ पे समटाइम ऐसा होता है कि 10 बेल आई है 50 से 10 मीटर, तो यहाँ पे फिर मेरे पास ऑप्शन होता है कि आप उसको मैनुअल में चढ़ाओ, जो बेल नंबर आप उसको देना चाह रहे हो या ऑटोमेटिकली सिस्टम देगा वो आप यहाँ क्या कर सकते हो, एक्सेल से उसको रिट्रीव कर सकते हो या एक्सेल से अपलोड कर सकते हो अपने डेटा को। ओके, अच्छा एक चीज और, अब जैसे ये हमने डेटा चढ़ा दिया, इसका अगर जैसे हमें पार्टी वाइज रिपोर्ट चाहिए तो वो सब हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, ये मैं इसकी रिपोर्ट ही दिखा देता हूँ। पार्टी वाइज रिपोर्ट भी सिंपल है कि सबसे पहले ये परचेज चढ़ा हमारा, तो इसमें दो चीजें आनी चाहिए रिपोर्ट में, कि मेरे को एक तो इसकी जो बिल की रिपोर्ट है वो भी आ जाए, तीसरा दूसरा इसकी मेरे पास इसकी जो है लेजर रिपोर्ट आ जाए, अकाउंट लेजर वो भी इसी में दिख जाए मुझे, तीसरा इसमें प्रोडक्शन मेरा स्टॉक इन हैंड जो प्लस हुआ है वो भी दिखा दे सिस्टम। तो ये जो रिपोर्ट है जैसे ये हमने बनाया अग्रवाल या पार्टी को हमने चूज कर लिया अग्रवाल टाइम को, इसकी कोई पुरानी परचेज होगी वो भी हमें दिख रही है यहाँ पे सारी की सारी। ठीक है, पर अगर मैं पर्टिकुलर वाउचर को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसके वाउचर आ जाएंगे, हम पर्टिकुलर वाउचर को भी यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हैं। डेट वाइज फिल्टर करना है, डेट वाइज भी कर सकते हैं, आइटम वाइज देखना है, ये सारी वही परचेज आ गई जो हमने भी चढ़ाई है, इनर ग्रे कॉटन सेटन ये सब। इसके अलावा
जितना भी स्टॉक मेरे पास आया, जैसे डाइड कलर्स पर से होते हैं, जैसे अगर हमने डाइड कलर खरीदे तो उसमें कोई हम पिक्चर रेफरेंस भी डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्रीन में भी 10 शेड हैं, तो कौन सा ग्रीन है एक रेफरेंस के लिए, कन्वर्जन के लिए अगर कुछ चाहिए हो। उसके लिए। हाँ देखिए उसमें क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे जब आप शेड बनाते हैं, पहले तो जब हम शेड क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल टाइप्स की शीट्स हैं, तो जब भी हम शेड क्रिएट करेंगे तो वहां पे एन नंबर ऑफ शेड आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि येलो है, येलो मैश है, फ्लोर प्रिंट है, मार्बल प्रिंट है, इसमें स्मॉल फ्लोर है, ये तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे सिस्टम में जब डेटाबेस बनता है सर, तो आइटम जो बनती है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो शेड वाइज यूनिक आइडेंटिटी बना देता है उसकी। आपको मैं एग्जांपल, जैसे अभी हमने ये आइटम बनाई ये वाली, तो इसने क्या किया, हमने लेट से 3 कलर बनाए, ग्रीन, ग्रे और ये। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ग्रीन के अंदर इसकी इमेज लगानी है पर्टिकुलर इस आइटम की, तो मैं इस ओके, इमेज को यहाँ पे मैं ले ये आऊंगा। आ सकता हूँ, क्योंकि जैसे हम प्रिंट्स और जकार्ड्स खरीदते हैं तो वी विल नीड इमेजेस फॉर दैट आल्सो ना, तो हाँ जी, तो इसीलिए उसमें हमारे अगर पास यहाँ है, पहले आप आइटम सारी बना लो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो भी आइटम की इमेज लगाना चाहते हो पर्टिकुलर, आप वही आइटम्स को चूज कर लो। अच्छा, उस आइटम को फिल्टर करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी डिफाइन कर देंगे ग्रुप वाइज, तो मेरे को यहाँ से फिल्टर कि करना इजी हो जाएगा कि मेरे पास जकार्ड यही में आइटम है कुछ गुजरात। ठीक ज्यादा प्रिंट्स है, प्रिंट्स में आएंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर जो मेरे पास यहाँ पे आइटम आ रही है, ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे न्यू इमेज वगैरह पे जाके जो भी इमेज आपको लिंक करनी है, एम्बेडेड करनी है, आप वहां से कर सकते हो। जैसे लिंक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज में जाके जो भी इमेज लगानी है मुझे अकॉर्डिंगली। ठीक है, मेक सेंस। वो अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है। इसको मैं सेव नहीं कर रहा क्योंकि सेव करेगा नहीं है, क्योंकि इमेजेस हमने डेमो सर्वर पे अलाउ नहीं करा हुआ सेव करना। राइट, ठीक है, ओके। हाँ डेटा हैवी हो जाता है उसमें थोड़ा। जी, तो ये हम इमेजेस इसको वगैरह जब आप नेम किसी को देते हैं। करेंगे, ये सेम चीज नेम करेंगे तो हम अलग अलग नेम करेंगे, मतलब एक रेफरेंस के नाम से करेंगे। वो अलग अलग ऑटोमेटिक, हाँ वो अलग अलग ऑटोमेटिक हो जाएंगे मैम, क्योंकि क्या होगा, मैं आपको जो आइटम बनाने की विंडो दूंगा ना, वो यहाँ से दूंगा। कोई भी प्रोडक्ट की जब हम आइटम बनाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं डेमो आरएम बना रहा हूँ, एग्जांपल के तौर फैब्रिक, तो ये फैब्रिक बना रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ मैंने डाल दिया रॉ फैब्रिक है। दूसरा, यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी डालना है जो भी मुझे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला सर ये 5% में आता है मेरे को, क्योंकि फैब्रिक जनरली 5% आता होता है। ठीक है, अच्छा ग्रुप 1 को हमने वो किया होगा, तो यहाँ पे हम ग्रुप 1 चूज कर लेते हैं। मैंडेटरी भी कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा ना कि मुझे मैसेज आ गया कि ग्रुप 1 इज मैंडेटरी, तो हम अगर कोई मेरा यूजर एंट्री डाल रहा है और मैं कहता हूँ कि उसको ये मैंडेटरी, वो गलती से भी छोड़ ना दे उस फील्ड को एंटर करना, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग का बहुत मेन कंसर्न आ जाता है उसमें, तो यहाँ पे फिर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे को किस, ये मीटर में आ रहा है या केजी में आ रहा है। ठीक है, तो आपने मीटर चूज कर लिया। अब इसके साइड शेड कौन कौन से आ रहे हैं, आपने कहा बेबी पिंक आ रहा है, बेबी ब्लू आ रहा है, फिर मैं बोलता हूँ येलो आ रहा है कोई मेरे को, तो येलो में जैसे मल्टीपल बने हुए थे, तो मैं बोलता हूँ इसके अंदर येलो में मेरे को ये मैश आ रहा है और ये वाला। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक आइटम बनाएगा डेमो आर एम फैब्रिक, जिसके ये 4 शेड बना देगा, तो ये 4 लाइन आइटम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सिस्टम बन गई, आप जब आप देखोगे और 1 सेकेंड मेरे बना, ये देखिए डेमो आर एम फैब्रिक। तो इसने क्या किया, ये शोट मैंने ना शेड की कोडिंग दी हुई है वहां पे येलो उसकी और इसकी, तो ये कोडिंग उठा रहा है। लेकिन अगर आपको उसका शॉर्ट नेम देना है, येलो का, येलो का येलो ही लिखा है, या फिर वो उसका बेबी पिंक का जैसे बेबी पिंक लिखा आ रहा है, तो जब हम शेड सेटअप करते हैं तो यहाँ पे उसका शॉर्ट नेम देते हैं, तो आप उसका कोडिंग से भी दे सकते हो, आप उसको नाम से भी दे सकते हो, एट योर चॉइस, जैसे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। और ये ठीक आपके 1000 नंबर ऑफ शेड हो सकते हैं। ये जनरली कुछ कस्टमर क्या करते हैं, कोडिंग बेस पे ही करते हैं, क्योंकि येलो स्ट्रिप है तो उसका 1175 है, उन्होंने कोई शेड कार्ड बना रखा होता है तो वहां से उठा लेते हैं। तो जब वो आइटम बनती है तो वो कहते हैं मेरे को जो आइटम आएगी, वो आइटम मेरे पास जब आएगी तो वो अकॉर्डिंगली ऐसे आ जाएंगे, तो मेरे को यहाँ से पता लगता है। जब आप इस आइटम को देखोगे ये 1175 है,
ये आपको बताएगा सर कि ये आरएम फैब्रिक है, येलो स्ट्रिप, ये है नेवी ब्लू, ये है येलो मैश, ठीक है। तो ये मल्टीपल शेड वाइज है और इसकी पिक्चर लगानी है मेरे को, तो मैं यहाँ से पिक्चर वगैरह इसकी लगा सकता हूँ। तो इसी तरह से जब आप परचेज एंटर कर रहे हैं, तो अगर मेरे को बेल वाइज एंटर करना है तो बेल वाइज भी एंटर होगा, मीटर वाइज कंसोलिडेट एंटर करना है मीटर वाइज कर सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए जो मैंने परच्योर किया, इसमें मेन कंसर्न ये आ जाता है कि भाई जब मेरे पास माल आया, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया, उसने मुझे किराया भाड़ा क्या लगाया, डिस्काउंट क्या दिया, किसी तरह का कोई स्पेशल डिस्काउंट या कोई अदर चार्जेज उसने एप्लीकेबल करे, तो मैं सिस्टम में यहाँ पे बिल के ऊपर मेंशन कर सकता हूँ, ताकि मेरे को जो उसका लैंडिंग कॉस्ट है वो सिस्टम निकाल दे, ये आपका लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर किसी आइटम पे उसने डिस्काउंट, जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नथिंग। आवाज करती है सर, ये आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, वन सेकेंड। हेलो, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। तो बेसिकली क्या रहता है कि जब भी हम कोई परचेज वाउचर एंट्री पास करेंगे सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले तो कोई भी अगर अदर डिटेल है उसका, मेरे पास ट्रांसपोर्टर का डिटेल, ऑर्डर का डिटेल, कोई अदर फ्रेट वगैरह उसने एप्लीकेबल किया सप्लायर ने, उसकी सारी डिटेल हम सिस्टम में फैच कर एंटर कर सकते हैं। सेकेंडली जो भी हार्ड कॉपी वो मुझे देगा उसको मैं स्कैन करके इस परचेज बिल के साथ अटैच कर सकता हूँ उसकी सॉफ्ट कॉपी के अंदर, ठीक है, परफेक्ट, राइट। इसके बाद अगर कोई टीडीएस वगैरह का भी कोई एंट्री आएगा तो वो भी हम इसी के अंदर डिटेल्स, कौन सा माल आया है। आपकी जो अकाउंटिंग टीम है वो इसको वेरीफाई कर सकती है कि भाई मेरा उसका टोटल नेट अमाउंट क्या है और टैक्सेशन वैल्यू कैसे कैसे पास हुई है, तो यहाँ से उनको पता लग जाता है कि जीएसटी में इसकी एंट्री कैसे पास हुई, तो उनको डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जब एक परचेज वाउचर एंटर हुआ तो ऑटोमेटिकली जीएसटी को भी रिफ्लेक्ट करेगा। साथ में जब इसका स्टॉक वगैरह देखो गया तो सिस्टम में इसकी जो परचेज रिपोर्ट है साथ में इसकी जो स्टॉक रिपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगी कि मेरे पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है पर्टिकुलर आइटम का, पर्टिकुलर सप्लायर का। जैसे ये मैंने एक आइटम का स्टॉक देखा तो यहाँ पे मुझे ये पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कि ये मैंने कब कब मेरे ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे पास, परचेज कितना किया मैंने, उसमें से रिटर्न कितना गया, और दूसरा मेरे पास अभी स्टॉक में कितना अवेलेबल है और उसकी वैल्यू क्या है। ये जितने भी कॉलम्स आप देख रहे हो रिपोर्टिंग के ये कंफिगरेबल रहते हैं, ठीक है। इसमें से जो जो कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है वो इनेबल डिसेबल किए जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब फैब्रिक आता है मेरे पास तो वो क्वालिटी चेक के लिए जाता है, तो क्वालिटी चेक के लिए जब जाता है तो फैब्रिक क्वालिटी चेक के लिए जाएगा तो यहाँ पे मैं उसको पैरामीटर सेट कर सकता हूँ कि जब मैं क्वालिटी चेक करूंगा तो उसके कौन कौन से पैरामीटर मेरे को इसके अंदर वैल्यू फीड करने के लिए चाहिए। जो कॉटन स्टेन आया मेरे पास, अगर मैंने उसके क्वालिटी चेक पैरामीटर बना रखे हैं सिस्टम में तो यहाँ पे मैं उनकी वैल्यू फीड करवा सकता हूँ।
कि जो मेरा क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर है वो उसकी वैल्यू को फीड कर सकता है। किस तरह से, मतलब मैं समझा नहीं। जनरली क्या होता है सर, जीएसएम प्रॉपर है कि नहीं, कटा फटा हो तो नहीं है, यानी कि कुछ कुछ भी मेरे को अगर वेरीफाई करना है क्वालिटी चेक कंसर्न से, अगर हम ये समटाइम ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, समटाइम किसी कस्टमर से नहीं किया जाता, तो ये डिपेंड करता है कि उसको आप अपने पास यूटिलाइज करना चाह रहे हो, तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। इस पार्टी का आपसे ये इशू, इवन ये है कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा बीच में गड़बड़ हो गई, तो अगर उसमें से कुछ माल मेरा रिजेक्शन भी चला गया या जितना मैंने मंगाया था उससे कम आया मेरे पास शॉर्टेज, या कुछ रिप्लेसमेंट के लिए भेजना है, तो भी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो उसकी एंट्री है उस सिस्टम के अंदर एज ए रिजेक्शन, रिप्लेसमेंट या शॉर्टेज वाइज कर सकते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट आया है यहाँ पे मेरे पास, कितना टोटल क्वांटिटी आई है, कितना लूज आया, कितना मैं रिजेक्टेड कर रहा हूँ, कितना मेरे पास स्टॉक है, राइट जी। तो ये ऑप्शन बेसिकली क्या है, बैरियर ऑप्शन है, ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने खरीद के स्टोर करने वाले हैं हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो रॉ मटेरियल है हमारा, वो क्वालिटी के ऊपर कितना खड़ा है, और दूसरा वो उसकी क्वांटिटी जो आई है प्रॉपर आई है या नहीं आई है, ठीक है, उसमें कुछ रिजेक्शन या रिप्लेसमेंट नहीं है, तो ये एक दो एडिशनल फीचर अपने पास आ जाते हैं। इसी तरह से अगर रिटर्न बनाना है तो फटे रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो ये मेरी इन्वेंट्री होगी ओवरऑल, कि मेरे पास जितनी भी इन्वेंट्री आ रही है उसका मैं MRN कर रहा हूँ, GRN कर रहा हूँ, और उसके बाद उसका क्वालिटी चेक करके उसको रिसीविंग ले रहा हूँ। जब मैं इसकी रिसीविंग लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल गोडाउन का ऑप्शन है कि आपके पास एन नंबर ऑफ गोडाउन आप क्रिएट कर सकते हो वर्चुअली। आपने कहा मेरे पास अप्रूव्ड RM का गोडाउन है, पहले ये मटीरियल RM में जाता है रॉ मटीरियल में, फिर ये क्वालिटी चेक में जाएगा, फिर ये अप्रूव्ड RM में जाएगा। तो ये अगर अप्रूव्ड RM में गया इसका मतलब ये है कि यहाँ से ही मटीरियल मेरा इश्यू हो सकता है। मेरा जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस का बंदा रॉ मटेरियल लेने के लिए जाएगा तो मेरे वेयर हाउस में से जो यूजर है वो जब भी मटेरियल उठाएगा उसको सिर्फ अप्रूव्ड RM गोडाउन का मटेरियल मिल रहा है। अब प्रोडक्शन, अब परचेज का एक और मेथड ये भी होता है कि ये तो हमने मैनुअल परचेज चला दी डायरेक्ट, इसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप उसका ऑर्डर भी बना सकते हो कि आपने जो भी फैब्रिक डिमांड करना है, आपने एक अपना जो सप्लायर है उसके नाम से PO बना दिया, और वो PO कब तक वैलिड है, उसकी शिपिंग आपको कहाँ चाहिए, एडवांस अमाउंट कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। जब भी आप किसी भी आइटम का PO बनाओगे तो सिस्टम आपको दिखाएगा कि सर आपके पास ये स्टॉक में इतना अवेलेबल है, मैंने 500 मीटर लिया हुआ है तो 500 मीटर है, मुझे और कितना चाहिए, अगर मुझे 250 मीटर और चाहिए तो मैं यहाँ पे उसकी एंट्री डाल देता हूँ। डिलीवरी शेड्यूल मुझे बताना है कि भाई आप जो 250 मीटर भेजोगे इतनी इतनी क्वांटिटी इस शेड्यूल पे मुझे आप भेज देना, ये डिलीवरी शेड्यूल भी मैं उसको PO में दे सकता हूँ अपने सप्लायर को, ताकि जो मेरी प्रोडक्शन प्लानिंग है अकॉर्डिंगली मैं सीजन वाइज कर रहा हूँ अगर, तो सीजन के अकॉर्डिंगली मैं उसे उतने मटेरियल मंगवाऊंगा, ठीक है। ये PO जब बन जाएगा तो PO को आप यहाँ पे रिट्रीव कर लेते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आपको PO जब बना दिया हमने, जैसे PO बना हुआ है तो PO के लिए यहाँ पे फिर मेरे पास एक बटन बना हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे एक बटन दबा के जो PO है उसको सिर्फ रिट्रीव करना है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब आप PO बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि हर कोई PO रिट्रीव हो जाएगा, ये PO जैसे ही बनेगा परचेज ऑर्डर आपके पास अप्रूवल के लिए भी भेज सकते हो आप, कि जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक वो सप्लायर को मिलना नहीं चाहिए मेल के अंदर, जब अप्रूव हो गया तो जो अप्रूव्ड PO है वही मेरे पास यहाँ पे रिट्रीव होके आएंगे, ठीक है, दैट इज ओके। मूविंग, आई थिंक वी कैन मूव अहेड ऑफ द इन्वेंटरी पार्ट नाउ, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वेयर वी सेंड गुड्स ऑफ फ्रॉम आवर स्टॉक टू डाइंग, वो वाला कन्वर्जन एक बार समझ लेते हैं। डाइंग के लिए फिर जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास दो ऑप्शन है, सबसे पहले तो हमने प्रोडक्शन के प्रोसेसेस यहाँ पे सेट कर दिए कि मेरे कौन कौन से
ऐसे हम यहाँ पे फॉलो करने वाले, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ डाइंग का सबसे पहला प्रोसेस होगा, फिर एम्ब्रॉयडरी होगा। तो डाइंग के लिए अगर है तो डाइंग के लिए हम क्या करेंगे, जब भी मुझे कोई प्रोडक्ट जिसके लिए ये प्रोसेस इश्यू करना है, तो सबसे पहले मेरे पास उसका एक जॉब ऑर्डर बनेगा, जिसको हम मास्टर जॉब ऑर्डर बोल देते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास जब जॉब ऑर्डर बनता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे मल्टीपल सीरीज बना रखी कि मैं क्या प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूँ, हम यहाँ मल्टीपल सीरीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ डाइंग की सीरीज मैंने अलग बना रखी है डीवाई, तो मैंने क्या कर रखा है डाइंग के लिए एक जॉब ऑर्डर बनाया। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं जी। पहला ऑप्शन तो ये होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, कि मेरे पास डाइंग के लिए ग्रे फैब्रिक जाता है, उसमें कलर केमिकल यूज होता है, लेबर चार्जेस वगैरह सब एप्लीकेबल होते हैं, और मेरे पास वो मटेरियल फाइनल होकर रिसीविंग आ जाती है, फिर मैं उसको एम्ब्रॉयडरी के लिए भेज देता हूँ। एक तो होता है कि मैं डाइंग के बाद एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद ये सारे प्रोसेस वन बाय वन करता हूँ, और मेरा जो जॉब ऑर्डर बनेगा वो ये बनना चाहिए सिंपल, ठीक है, एक सिंगल जॉब ऑर्डर बनेगा इसका। तो अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, कि मैं कंप्लीट जॉब ऑर्डर बना रहा हूँ, तो मैं कंप्लीट जॉब ऑर्डर के लिए भी उसको सिस्टम में डाल सकता हूँ। कि मैंने बोला कि भाई ईएसटी है मेरा, ये मेरा कंप्लीट जॉब ऑर्डर है, और फर्स्ट मेरा टाइम रहेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अमन को, मेरा अमन जो है वो प्रोडक्शन हेड है, उसको मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह पास करने तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, और मैंने अपना प्रोडक्ट यूज किया SPR 15। ये अब ये मैं बोलता हूँ मुझे कितने पीस बनाने का प्लान करता है, तो मैं बोलता हूँ लाइक से 5 पीस बनाने का प्लान है मेरा, राइट। तो जो 5 पीस बनाने का प्लान है, अभी क्योंकि मैंने बॉम्ब डाल दिया था इसका, तो सिस्टम मुझे यहाँ बता रहा है कि सर अगर आप 5 पीस बना रहे हो, तो आपकी जो एवरेज क्वांटिटी है उसके हिसाब से इतना इतना मटेरियल आपको चाहिए ये फैब्रिक का टाइम के लिए। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, अगर मैं नहीं बना के रखता तो ये मुझे यहाँ नहीं बताता, राइट। तो ये अगर पहले से बना है तो सिस्टम मुझे सजेस्ट कर देगा कि स्टॉक में कितना अवेलेबल है सर आपके पास, और आपको दे चाहिए और वो पर प्राइस क्या रेट है, और इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी आपके पास, ठीक है। इसके साथ साथ फिर ये होगा कि भाई अगर मान लो इसके अलावा कोई अदर कॉस्टिंग भी है जो मुझे इसके साथ ऐड करनी है इस प्रोडक्ट को बनाने में, फैक्ट्री एक्सपेंस वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपके अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो आप इसके अंदर डालना चाहो तो डाल सकते हैं। तो ये कॉस्टिंग में आपको यहाँ आइडिया दे देते हैं। अब इसको मैंने सेव कर दिया और मैंने इसको इश्यू कर दिया। अब इसकी मैंने वर्किंग स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने एक इसको एक वर्कर को असाइन किया, जो आपने एंट्री डाली ना यहाँ पे, ये वाली थी, मैंने मान लीजिए शमीम अख्तर को मैंने दिया ये। मैं सबसे पहले मानता हूँ कि मैंने शमीम अख्तर की जगह हम डाल देते हैं अफसाना। तो अफसाना को मैंने बोला कि भैया आपको इतने बजे मैं ये प्रोसेस इश्यू कर रहा हूँ, ये डाइंग प्रोसेस आ गया मेरा सबसे पहले, ये सिर्फ पहला प्रोसेस दिखाया। अगर यहाँ पे मैंने इसको पर पीस का कोई बताया हुआ है कि भाई इतने का इतना प्राइस रहेगा आपका, अगर वो आउटसोर्स भी है लेबर्स या इनहाउस भी है, तो भी मैं एक आइडिया डालने के लिए डाल सकता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा कि भाई मैंने जो मास्टर जॉब ऑर्डर बनाया है वो क्या नंबर है, उसको मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने मास्टर जॉब कार्ड में डाली थी वो उठा लेता है कि भैया 5 पीस बनाने हैं मेरे को। इसके बाद हम उसको एक चालान देते हैं रॉ मटेरियल का, हम उसको एक रॉ मटेरियल के लिए चालान देते हैं कि भाई आप जो है वेयर हाउस में जाओ और वहां से ये रॉ मटेरियल ले लो, या फिर वो वेयर हाउस पे जॉब ऑर्डर नंबर लेके जाता है, तो वो बंदा क्या करता है कि यहाँ पे चूज करता है कि कौन है जो रॉ मटेरियल लेने आया वर्कर या मेरा प्रोडक्शन है, उसके बाद यहाँ पे वो प्रोसेस चूज करेगा कि किस प्रोसेस के लिए लेने आया है टाइम के लिए। यहाँ पे फिर एक बटन, ये उसका जो मास्टर जॉब ऑर्डर है वो भी यहाँ पे चूज करता है, वो भी मेरा मास्टर जॉब ऑर्डर नंबर, क्योंकि वो मास्टर जॉब ऑर्डर से ट्रैक कर रहा होता है सब कुछ, तो अमन के नाम।
और जो हमने उसको टास्क साइन किया है वो ऑटोमेटिकली इस मास्टर जॉब ऑर्डर लिंक में दिखता है उसको, ये आसान आ रहा है। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि वो मैनुअल, एक सेकेंड सर, हम एक सेकेंड होल्ड करिएगा जी। दीपक हेलो। हाँ जी दीपक, एक्चुअली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी जैसे आप ये अपना एक सिस्टम बता रहे हो, जैसे आप कैसे सिस्टम इसको अपने साइड से इम्प्लीमेंट करोगे, आपका सॉफ्टवेयर कैसे उसको लेगा, कैसे प्रोसेस करेगा। अब इस पे दो लेवल की एंट्री आ गई जो मुझे समझ आ रहा है, जो अभी आपने बताया हमें, ठीक है। आई वॉन्ट कि जैसे जो मैंने आपको शीट दी है राइट, तो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो कि ये मेरी साइड से मेरी वर्किंग में मुझे इसको इस चीज को डालना है, तो लाइक अब फैब्रिक तक हमें समझ आ गया, डाइंग तक मैंने उस पर एवरेज ले ली, एवरेज इनपुट करके मैंने एक लेवल का प्रोसेस डाल दिया कि मैं ये डाइंग को दे डाइंग में इश्यू कर रही हूँ। जी बिल्कुल, तो इसमें दो लेवल्स नहीं चाहिए मुझे, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। दो लेवल कैसे? ये जो आपने वो स्किप करना होगा, जो टास्क आगे हम दे रहे हैं ना उसको स्किप करना होगा, वो एक ही एंड पे रहे। वो वर्कर को नहीं देना चाह रहे हम? सॉरी दो लेवल है दीपक जी, हमारा क्या है कि पैटर्न क्या है, आप समझिएगा एक बार कि हम ना फर्स्ट इज कि हमारा स्टॉक एक पर्सन मेंटेन कर रहा है राइट, तो वो स्टॉक उसने अपडेट कर दिया, सो दैट पार्ट ऑफ हिज जॉब इज डन। फिर नेक्स्ट पार्ट इज डाइंग इज कोऑर्डिनेटेड बाय वन सिंगल पर्सन, तो वो वहां से इशू और रिसीविंग का पार्ट मेंटेन करेगा। बिल्कुल ठीक है। मल्टी हेड इज मेंटेन बाय अनदर पर्सन, दिस इज अ थर्ड पर्सन कमिंग इन टू द पिक्चर हु इज अ कोऑर्डिनेटर फॉर एम्ब्रॉयडरी, तो वो अपनी इश्यूएंस और रिसीविंग मेंटेन करेगा। बिल्कुल। हैंड वाला चौथा बंदा हो गया और स्टिचिंग वाला पांचवा बंदा हो गया, वी हैव फाइव पीपल मैनेजिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस राइट, सो आई डोंट वॉन्ट टू असाइन इट टू अ सिंगल पर्सन। आप मेरी चीज समझना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक पर्टिकुलर, जैसे एसपीआर 1545 है, मेरा ये डिजाइन खुलने के बाद उसमें फैब्रिक कन्वर्ट होने के बाद डिजाइन नंबर के अगेंस्ट इशू होने के बाद वो डाइंग की इश्यूएंस रिसीविंग चलती रहे, थोड़ी उसमें इश्यूएंस रिसीविंग चलती रहे, मल्टी हेड की इश्यूएंस रिसीविंग चलती रहे, सो दैट मैं एक, मतलब मेरे को मास्टर क्रिएट करने का पॉइंट नहीं समझ आया, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उस पार्ट में, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कॉम्प्लिकेट ना करूं प्रोसेस को। मास्टर क्रिएट जो आइटम मास्टर कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हो आप, जो हमने प्रोडक्ट मास्टर क्रिएट किया? नहीं प्रोडक्ट मास्टर ठीक है, जो अभी आप कह रहे हो ना कि हम एक मास्टर पे इशू करेंगे और वो करेंगे। नहीं, मेरा पॉइंट फिर आप शायद कुछ अलग लगे, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम सबसे पहले एक जॉब ऑर्डर बनाते हैं प्रोडक्शन में। जॉब ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जो ये प्लान करते हो, आपने कहा कि ये एसपीआर, ये आपने लिखा है जैसे शीट पे कि 150 पीसेस का प्लान है मेरा। हाँ जी, ये आपने ये डाला ना कि जो मैं समझाऊं कि ये जो प्रोडक्ट है मेरा एसपीआर प्लान है, ये जो प्लान है वही मेरा जॉब ऑर्डर है। ये मैं किसके नाम से बना रहा हूँ, अपने नाम से बना रहा हूँ या किसी अपने प्रोडक्शन हेड के नाम से बना रहा हूँ, जो मैंने प्लान बना दिया सिस्टम के अंदर। इस प्लान के अगेंस्ट में फिर हमने क्या किया, एक टास्क साइन किया डाइंग का, वो हमने शमीम अख्तर को कर दिया। शमीम अख्तर को जब ये डाइंग का टास्क साइन किया तो मैंने उसको फैब्रिक दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि सर ये आपको फैब्रिक दे रहे हैं हम राइट। अब जब वो कंप्लीट करेगा तो वो हमें रिसीविंग देगा, और वो हो सकता है कि पार्शियली रिसीविंग दे, हो सकता है फुल रिसीविंग दे। ओके, जैसे कि दो थान आ गया। जब हम उसको, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको, मेरे पास मान लो शमी बख्तर है ठीक है जी, अब इसमें जब मैं उसको डाल रहा हूँ कि भाई ये मेरा प्लानिंग, क्योंकि सिस्टम के अंदर जब आप कोई भी डाइंग के लिए दे रहे हो तो यहाँ पे आप ट्रेसिबिलिटी देखो, चालान नंबर रख रहे हो 3065, चालान नंबर इश्यू का चालान नंबर है जो आपने उसको दिया, लेकिन ये चालान नंबर तो है ही है,
लेकिन एक मास्टर चालान नंबर भी होता है जिसका ये चाइल्ड चालान नंबर बन जाता है। सिस्टम हमेशा एक मास्टर चालान नंबर होता है, वो मास्टर चालान नंबर जॉब ऑर्डर होता है। ये मेरा मास्टर चालान है जिसको हम बोल रहे हैं वर्क मास्टर, अपना जॉब वर्क मास्टर डॉक्यूमेंट। ओके परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड पैरेट। राइट, उस केस के अंदर फिर जो आपकी जो शीट पे बना है एज इट इज वैसे चलेगा। डाइंग में दे रहा हूँ शमीम अख्तर को, मैंने जब उसको दिया तो मुझे रिसीविंग देगा। ओके, राइट, मैंने उसको जब 5 पीस की डाइंग के लिए दिया तो मैंने फैब्रिक इश्यू कर दिया उसको। राइट, क्योंकि आप जब भी एंट्री डालते हो फिनिश आइटम की डालते हो कि मैं फिनिश आइटम बनाने के लिए डाइंग प्रोसेस कर रहा हूँ, तो उसको करने के लिए मैं 3 आर्टिकल दे रहा हूँ रॉ मटेरियल के। अब यहाँ पे जब मैं 3 आर्टिकल देता हूँ तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि सिस्टम एक तो ये बता देगा ऑटोमेटिकली जो मैंने बॉम्ब में डाला हुआ था कि सर आपको इतना इतना फैब्रिक देना है इसको। ठीक है, एक तो वहां पे आपका जो वेयर हाउस पे बंदा बैठा है या तो वो यहाँ से चूज कर सकता है। सेकेंडली क्या कर सकता है, वो यहाँ पे जाएगा आइटम मैन्युअली चूज करेगा कि अच्छा जी ग्रीन कलर है मेरे पास, ये 500 मीटर का स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें से मैं आपको दे रहा हूँ 10 मीटर। ओके ठीक है, मतलब वो इधर अब चूज कर सकता है, दोनों ऑप्शन है। ओके, दोनों ऑप्शन ठीक। देखो ये जो बॉम्ब वाला ऑप्शन है वो इसलिए किया जाता है कि मैं अपने यूजर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता समटाइम, क्योंकि वो गलती कर सकता है। उसने 100 की जगह 10 की जगह 100 डाल दिया जल्दी में, तो उसका क्या पकड़ है, फटाफट ऐसे एंट्री किया दिया उसने 10 मीटर दी लेकिन एंट्री 100 मीटर डाल दिया, तो उसका कोई पकड़ थोड़ी है। वो तो जब भी आप कभी स्टॉक चेक करोगे आप देखोगे यार ये स्टॉक तो 400 मीटर 490 मीटर होना चाहिए, सिस्टम में 400 मीटर दिखा रहा है, ऐसे कैसे, क्योंकि उसने क्या किया फिजिकल 10 मीटर ही दिया है लेकिन यहाँ डाल दिया। इसका भी सॉल्यूशन क्या होता है, जब एंट्री डाली जाती है वाली, इसका एक प्रिंट आउट निकलता है, वो प्रिंट आउट आप वर्कर को देते हो कि भाई क्योंकि जो मास्टर जॉब ऑर्डर है, ये जो मास्टर जॉब ऑर्डर जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जो आपकी शीट में ये सबसे ऊपर बना, उसके साथ ये फाइल में लगती रहती है सारी चीजें, कितना कितना मटेरियल आया। और उसके ऊपर कई कस्टमर क्या करते हैं, जो आपका प्रोडक्शन हेड है वो एक स्टैंप लगाता है अप्रूव्ड वेरीफाइड, इस तरह की मैनुअली काम जो करते हैं आजकल इसको ऑटोमेशन पे कर दिया लोगों ने। वो क्या करते हैं कि जो भी एंट्री डाली, जैसे ये एंट्री डाली मैंने, इसको मैंने लगा दिया तो मेरे पास ये स्टॉक में से लेस हो गया। ठीक है, ये जब मैंने एंट्री डाला तो मेरे पास स्टॉक में से लेस हो गया। जब आप इसका स्टॉक देखोगे ना यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ, रिपोर्ट हमने खोली हुई है, ये देखो ये इसने इश्यू कर दिया 23 मीटर। इसका क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो गया 476.7। ओके, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो आपके पास स्टॉक का लाइव स्ट्रक्चर मिलता है आपको कि हाँ ठीक है मेरे पास इतना स्टॉक इसका पड़ा है। जब आप कोई प्लान बनाओगे, प्लान में क्या होगा, मैंने जब जॉब ऑर्डर बनाया, अब आपको एक चीज और दिखा देता हूँ मैम, लेट्स से थोड़ा सा हम दोबारा से इसको करते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यही चीज यही प्रोडक्ट मेरे को दोबारा बनाना है। अगर मैंने इसका बॉम्ब डाला है और मैंने कहा भी मुझे इसके 20 पीस बनाने, अगर मेरे पास सिस्टम में बॉम्ब डाला हुआ है तो यही बैठे बैठे मुझे सिस्टम बता देगा कि सर आपको इतनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, स्टॉक में इतनी अवेलेबल है, ये 476। एक चीज और सर, इसमें जैसे हमने बॉम्ब बना दिया इसका, उसके बाद क्या होता है ना कि कई बार मतलब जैसे कि हमारा फैब्रिक बीच में चेंज करना पड़ जाता है कि हमने तो बॉम्ब में जैसे ऑर्गेंजा दिया, ठीक है, इन बाद में जैसे कि अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये तीन फैब्रिक डले हुए हैं, मैं वही आपको, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप कहते हो कि मान लो जब अगली बार ये 20 पीस बनेंगे तो कस्टमर ने बोला कि ये फैब्रिक तीन की जगह पे कोई एक दूसरा लगा दो या कलर चेंज कर दो या कुछ भी चेंज कर दो, राइट, कोई भी चेंज करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ये तीन जो फैब्रिक आ रहे हैं ना, इसको चेंज करने का यहाँ ऑप्शन है। अगर आप कहते हो सर कि ये जो 20 पीस बनेंगे इसमें मेरे तीन फैब्रिक में चेंज आएगा, तो यहाँ पे आप चेंज कर दो, आप कहते हो ये कॉटन सेटन नहीं लगेगा इस पे, तो यहाँ से इसको निकाल दो, तो इसमें है चेंज करने का, ठीक है, या फिर कोई नया ऐड करना है नया ऐड कर दो, ठीक है। हाँ जैसे ये इसमें बॉटम वगैरह में होता ही है ना, ठीक है जी, तो वो डिपेंडेंट है, नया ऐड करना नया कर सकते हो, आप उसको चेंज करना चाहो कर सकते हैं। और अगर आपने बॉम्ब नहीं बनाया, ये जरूरी नहीं है कि आपने हर बार बॉम्ब बनाना है, ये भी जरूरी नहीं है। आप कहते हो कि मैं तो रन टाइम पे डिसाइड करता हूँ हर बार,
हर बार कि मैंने कोई नया आर्टिकल बनाना है, जैसे ये बनाना है ग्रीन वाला, या कोई और एक आर्टिकल बनाता हूँ मैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक नया ये वाला आर्टिकल ले लिया मैंने, तो मैंने कहा कि जब ये आर्टिकल बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे इसका सारा बॉम चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे बॉम को खुद बना सकते हैं यहाँ पे। नया प्रोडक्ट लेता हूँ जिसके अंदर बॉम बना ही ना हो, जैसे ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसका बॉम डिफाइन ही नहीं है मेरे पास, ये कलर वाइज यहाँ पता अच्छा। अब मैं कहता हूँ इसका बॉम हमेशा रन टाइम पे बनाया करूंगा, यहाँ पे आप जो बॉम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम, इसमें चैलेंज क्या आता है, हर बार आपको वो चीज चूज करनी होती है, जो हम बॉम में एक बार कर रहे थे ना, यहाँ पे हर बार करना है, बस यही फर्क है कि मेरे को मैंने बोला कि इसके अंदर इनर ग्रीन लगेगा, कितना लगेगा, या पर पीस पे ये लग रहा है 2.55, ठीक है जी, ऐसे मेरा डाइंग प्रोसेस अगला हो गया, फिर अगले को चूज कर लिया, तो ये क्या हो रहा है सिस्टम में, मैं यहीं से बॉम बता रहा हूँ, तो अगर मैंने सिस्टम में यहीं से बता के सेव करके ये रखा हुआ है कि मेरा जॉब ऑर्डर वाइज बॉम बनेगा हमेशा सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल मेथड है, जो बिजनेस प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं अकॉर्डिंगली सिस्टम वैसे करेगा। अब आपका पॉइंट आता है, वापस मैं वापस आपके पॉइंट पे आता हूँ, मैंने डाइंग वाले को फैब्रिक दे दिया, मैंने उसको बोला डाइंग करके दे दे दिया, अब डाइंग वाले ने मेरे को रिसीविंग देनी है, राइट। अब रिसीविंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, वो मुझे यहाँ पे रिसीविंग देने का एक डॉक्यूमेंट आएगा यहाँ पे रिसीविंग के लिए, जब वो मुझे रिसीविंग देने आएगा, एक्चुअली जब मैं मुझे कह रहा हूँ इसका मतलब मैं वर्कर का नाम यहाँ डाल रहा हूँ, ये वर्कर है, अब इसके नाम पे ये मुझे किसकी रिसीविंग देने आया है, ये मुझे डाइन की रिसीविंग देने आया है, वीसा के अंदर डाइन की रिसीविंग देने आया, ठीक है जी। यहाँ पे और बहुत सारी भी ऑप्शन इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं, अभी हमने जनरल रखा हुआ है, यहाँ पे हम उसका डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, सिस्टम आपको सिर्फ उसी का डॉक्यूमेंट दिखाएगा, वो बोलेगा ये देखिए सर ये डाइन के लिए आपने इसको वाउचर इश्यू किया हुआ था, चालान नंबर, जो इश्यू नंबर है ना चालान नंबर आपके वाला, वो ये है, ये हमने चालान नंबर के अगेंस्ट में से हमने उससे रिसीविंग ली। यहाँ पे अगर मान लो कोई रिजेक्शन आ गई किसी तरह से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्शन का रीजन डाल के उसको मैं रिजेक्शन में डाल सकता हूँ, मतलब कि जैसे हमने डाइन किया 100 मीटर इशू किया, हमें 95 मीटर आया, तो हम वो 5 मीटर श्रिंकेज भी डाल सकते हैं, जैसे जो हमने जो रिजेक्शन में डाला उसका, और वो जैसे कि अब वो रीडायरेक्ट है, मतलब जैसे कि अब वो उसमें जैसे दाग निकल गया या वो कलर ठीक नहीं लाया करके, जैसे कि वो था, जैसे इसमें हमने 100 मीटर इशू किया, उसमें उसने 4 थान हमने दिया उसे, अब उसमें उसके 1 थान में मतलब जैसे कि ऐसा आ गया कि वो कलर सही नहीं पकड़ा हुआ है या कुछ, मतलब उसमें मतलब जैसे कि एक्शन आ गया, मतलब अब उसको हम जब हम वापस जो देंगे तो उसके बदले का कोई चलान वगैरह क्रिएट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, यहाँ पे देखिए जब हमने कोई क्वांटिटी ली, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं रिटर्न क्वांटिटी दे रहे हैं, या उसको वापसी दे रहे हैं, अच्छा, या उसने वेस्टेज कर दिया या वेस्टेज होगी कुछ भी, तो मैंने वो डाल दिया, तो मेरे पास रॉ मटेरियल का डिटेल आ गया, ये मेरे आइटम गई हुई है जी, और इसके अंदर से कितना मैं उसको रिटर्न का आ रहा है, या तो उसने मैंने उसको दिया या उसने मेरे को दिया, ठीक है, कितना कंज्यूम हो गया जो जो फैब्रिक दिया मैंने, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा डॉक्यूमेंट बनेगा, चालान नंबर बनेगा इसका यहाँ पे ये वाला रिसीविंग का, उस चालान नंबर के अगेंस्ट पे आपके पास वेरिफिकेशन होगी कि आपको कितना उसने रिसीविंग दे दिया, ठीक है जी, कितना अभी उसके पास पड़ा हुआ है, कितना आपने उसको मटेरियल वापस दे दिया, यहाँ से रिटर्न वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, रीइशू का चालान नंबर, और यहाँ पे जब आप उसको ये करने के बाद अब इसका क्या होगा, जब आप इसको सेकंड कारीगर को दोगे मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी के लिए, तो सेम वहां पे भाई एंट्री से देंगे कि मैं क्या करूंगा, तो वहां से वो फैब्रिक शो करेगा या ऑटोमेटिक, या फिर वो पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा वहां पे? नहीं, फैब्रिक यहाँ पे आरएम कंजम्पशन में शो करेगा, देखो जो आइटम जॉब कार्ड पे बनी हुई है, जो मेरी सबसे प्योरिटी आइटम है वो ये चलेगी,
जब वो वापसी देगा कोई मटेरियल, या आपको वो रिटर्न करेगा, या फिर आप उसको शॉर्टेज में डालोगे, वेस्टेज में डालोगे, वो आप फैब्रिक में डालोगे, दोनों ऑप्शन आएंगे ना। नहीं वो तो हो गया, आप जैसे हम मल्टी यहाँ पे बटन होता है कि आपने मल्टी पे जब डालेंगे, मैं दिखा रहा हूँ मैं उस पर आता हूँ। मल्टी पे जब आओगे सबसे पहले तो आप क्या करोगे, मल्टी के लिए आप बोलते हो कि मैं किस वर्कर के नाम पे ये चालान बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं अश्विनी के नाम पे बना रहा हूँ, ठीक है, उसको क्या रेट देना है, कितने बजे बना रहा हूँ और किस प्रोसेस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ मैं उसका प्रोसेस चूज कर लेता हूँ। मैंने कहा जी प्रोसेस मेरा यहाँ पे ब्रोडरी का आ रहा है, ये मेरे को बताता है सर पिछला जो आपके पीस आए हुए ना पांच, जो आपने बनाने के लिए डाइंग से आए हुए, ये पांच पीस का स्टॉक आपके पास मतलब है जिसको आपने एम्ब्रॉयडरी के लिए देना है। तो आपने कहा ठीक है जी ओके कर दो, इसको सेलेक्ट किया और उसको ओके कर दिया। अब इसको मैंने इश्यू मतलब ये इसको टास्क असाइन किया है मैंने, तो बाबा ये आपको टास्क असाइन हो गया। अब हम दे रहे हैं उसको रॉ मटेरियल, सेम वही आ जाता है, यहाँ पे अश्विनी चूज करूंगा और उसका मैं प्रोसेस चूज करूंगा कि किस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमने ये प्रोसेस इसलिए रखा हुआ है कि हो सकता है अश्विनी जो है वो ड्राइंग भी करता है, अश्विनी एम्ब्रॉयडरी भी करता है, तो इसलिए हमने इसको ये पर्सनली रखा होता है। फिर हम यहाँ पे चूज करते हैं कि जब अश्विनी स्टॉक में आएगा तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि भाई आपका जो प्लानिंग मास्टर डॉक्यूमेंट है उसका नंबर क्या है, क्योंकि सारी जो ट्रेसिबिलिटी है इसी से होगी। बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन चाइल्ड डॉक्यूमेंट है। अच्छा अब यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के लिए आप क्या देने वाले हो, क्योंकि बॉम्ब तो आपने डाला नहीं इसका, तो बॉम्ब में तो कुछ दिखाएगा नहीं, खाली दिखा रहा है। लेकिन जब आप इसको मैनुअली कुछ देना चाहते हो तो मैनुअली यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट देना चाहते हो यहाँ पे आप इश्यू कर सकते हो कि मैनुअली क्या देना चाहते हो। लेकिन जो हमने जो बॉम्ब बनाया था, हाँ जो हमने जो डाइंग के लिए डाला था सर, नहीं तो वो तो हमारे सारे प्रोसेसेस में तो वही चीज करना चाहिए ना वर्क, क्योंकि हम तो सर करेगा तो सारे भी काम, जैसे हमने पांच पीस करेगा सारे भी काम। जैसे हमने 1545 है सर, तो वो तो हमारा सारा प्रोसेस में आएगा ना, वो मतलब 1545 में जितने भी हमारा जो प्रोसेस है डाइंग मल्टी को सब में शो करना चाहिए ना कि आप इतने पीस के लिए प्लान कर रहे हो, मतलब जैसे कि हाँ। लेकिन अगर बॉम्बे डिफाइन कर रखा है तो आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा ना उसमें, प्लान तो सारा इकट्ठा दिखाएगा, बट तो 150 पीस का प्लान है ना आपका इसमें। हाँ जी हाँ जी, तो वो उसमें शो करेगा ना कि आपका 150 है, जब हम मल्टी हेड पे जब हम इशू करेंगे तो। हाँ बिल्कुल करेगा ना सर, वो आप वही तो मैं दिखा रहा था जब आपने इसको इश्यू किया ना अगले प्रोसेस के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली दिखाता है आपको कि पिछले प्रोसेस से, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मेरे को पिछले प्रोसेस से पांच पीस की जगह चार पीस ही बन के आए मटेरियल जो आया वापस। ठीक है क्योंकि इसको करने का मेरे पास एक और तरीका भी है। जनरली क्या करते हैं कस्टमर, वो कहते हैं जी कि डाइंग का एक सेपरेट प्रोसेस बना देते हैं, उसका जॉब ऑर्डर सेपरेट बना देते हैं, पर उसके अंदर फिर काम थोड़ा बढ़ जाता है आपके लिए। नहीं नहीं वो तो फिर हमें मतलब वो तो फिर स्टॉक में लेना पड़ेगा, फिर वहां से लेना पड़ेगा वो तो। हाँ जी बिल्कुल, स्टॉक में लेना पड़ेगा, फिर आप एम्ब्रॉयडरी के लिए दोबारा इश्यू करोगे, जॉब ऑर्डर वो काम आपके लिए बढ़ जाता है। तो जनरली हम ये लेके चलते हैं कि हम एक सिंगल मास्टर जॉब ऑर्डर बना लें, एसपीआर 1545 ग्रीन का पांच पीस का बना हुआ है, पांच पीस में से अगर उसने चार दिए हैं हमें, एक तरह से हमें आइडिया होता है कि पांच की जगह चार पीस का मटेरियल दे रहा है हमें वापस, तो हम उसका चार रिसीविंग ले लेते हैं कि भाई आगे हमने चार देना है। ठीक है उसके बाद जब ये परफेक्ट आ गया तो फिर हम उसको रॉ मटेरियल इश्यू करते हैं यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल में जो भी मटेरियल हमने इश्यू करना है वो लिस्ट में से यहाँ चूज कर लेते हैं। जैसे अब हम इस वाले एंड पे जो देते हैं ज्यादातर जो होता है, जैसे अब इसमें तीन पार्ट होते हैं, दो पार्ट ज्यादातर जाता है हमारे पास, शर्ट और दुपट्टा। तो शर्ट का तो हम मतलब जैसे कि ज्यादातर केस में क्या होता है ना कि उसका हम मतलब जैसे कि फ्रंट का हिस्सा दे देते हैं और बैक का हम प्लेन अपने पास ही रख लेते हैं, वो हमारा स्टिचिंग में जाता है आगे। जैसे हमारा ढाई मीटर लगा तो ढाई मीटर में से ना हम 1.25 तो दे देते हैं आगे कि इस पे एम्ब्रॉयडरी होके आएगा,
और मतलब जो 1.25 जो बच गया बैलेंस का वो हम सीधा स्टिचिंग पे देंगे उसको। सर एक सेकंड रुकना प्लीज। जैसे आप ये मल्टीपल आप ये देख रहे हो ना, जैसे आप हमने इसमें फ्रंट फ्रंट दिया हुआ है, दुपट्टा दिया हुआ है, दुपट्टा तो सारा सारा चला जाता है उसमें, सारा फैब्रिक ही चला जाता है, ठीक है, लेकिन हम शर्ट में हम सिर्फ फ्रंट देते हैं, ठीक है, तो शर्ट में फ्रंट देते हो, हां जी, उसका बैलेंस फैब्रिक हमारे बाइफर्केशन अभी कैसे रखते हो अभी उसका बाइफर्केशन उसका बाइफर्केशन कैसे रखते हो आप? हां जी हां जी, बाइफर्केशन करते हैं सर उसको, उसका बाइफर्केशन कैसे रखते हो, मतलब कैसे मेंटेन करते हो? सर हम बैक एंड फ्रंट में ना थान बाय थान डिवाइड करते हैं उसमें, तो फ्रंट हमारा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और बैक हमारी मीटर में रहती है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक फ्रंट अलग से इशू होता है जितना एम्ब्रॉयडरी में रिक्वायरमेंट होता है, साइमल्टेनियसली दुपट्टा अगर कोई वर्क नहीं होता तो दुपट्टा स्टिचिंग पे चला जाता है उसी टाइम पे, मतलब जरूरी नहीं है कि वो साथ में ही जाएंगे सारी चीजें। एम्ब्रॉयडरी फ्रंट आफ्टर कटिंग एंड रिसीव फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी इशू फॉर हैंडवर्क आर मेजरिंग इशू फॉर स्टिचिंग। यहाँ पे मैंने डाइंग कर दिया, डाइंग से मेरा फैब्रिक आ गया, फिर मैंने उसकी मैं फ्रंट की कटिंग करता हूँ क्या, पीस में कटिंग करके आप बता रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, कटिंग ही करते हैं हम। तो हम फ्रंट पीस जो शर्ट का है उसका मैं कटिंग करता हूँ, कटिंग करके उसको अकॉर्डिंग हो जाता है हमारा। जैसे हमने कटिंग कर दिया ना, जब हम आगे किसी को हम इशू करेंगे जिससे भी हमें एम्ब्रॉयडरी कराना है, तो हम उसको पीसेस लिख के देते हैं कि हमने आपको इतने पीस दिए हैं बनने के लिए, जो हमारा स्टैंडर्ड कट होता है उस कट से हम काट लेते हैं पीस को, और जो बैक का जो हमें बच जाता है वो हम अपने पास ही रख लेते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि हम थान को डिवाइड कर देते हैं कि जो बैक है वो तो पूरा का पूरा थान हमने डिसाइड कर लिया, वो रखा हुआ अपने पास, जो फ्रंट के लिए हमने एलोकेट किया थान को उसके हम पीस काट के दे देते हैं आगे। नहीं नहीं, हम ना जैसे कि चार थान आया 100 पीस के लिए, ठीक है, तो चारों थान में से हम काटेंगे, मतलब जैसे कि फ्रंट निकालते हैं और चारों थान में का बैक हम रख लेते हैं कि वो कलर वेरिएशन ना आए। जिस थान में से हम आपके कहने का मतलब है जिस थान में से फ्रंट, मैं रिपीट करता हूँ, मैं एक रिपीट करता हूँ, बताना अगर मैं सही बोल रहा हूँ। आपने पूरा पीस काटा फ्रंट और बैक का एक ही थान में से, बराबर, उसमें से फ्रंट को आपने इशू कर दिया, बैग अपने पास रख लिया। सीना जी आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था, सर अभी बता रहे थे, मैं ये समझाऊं कि आपने एक थान के फ्रंट और बैक पूरा काट लिया, कटिंग कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पर से आप समझो हमारा 20 मीटर 20 मीटर करके थान है, 20-20 मीटर का हमारा 5 थान आ गया डाई होकर के, जिसको हमने नापा तो लगता है 20-20 मीटर है, ठीक है सर। अब एक शर्ट बनाने में हमें लगता है 2.5 मीटर, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो 20 मीटर में हमें बनेगा 8 पीस, ठीक है सर। अब 8 पीस में से ना हमने सिर्फ जो इसमें से काटा है वो हमने काटा है 10 मीटर, जो 10 मीटर जो बच गया वो पूरा थान ही बचा हुआ है हमारे पास बैग के लिए, जो हमने 10 मीटर जो 1.25 1.25 करके काटा है वो 8 पल्ला काट लिया हमने उसका, मतलब 8 पीसेस में उसको काट लिए, वो 8 पीस हम आगे इशू करते हैं, और 10 मीटर जो बच गया वो पूरा थान बच गया हमारे पास, वो उसी थान में से मतलब हम काटे हैं जो 20 मीटर का थान था मेरे पास, उसी में से हमने फ्रंट काट के तो उसको पीसेस में कर दिया, और बैक हम अभी मीटर में ही रख रखे हैं उसे, और वो थान में मतलब उसी कलर के थान। हाँ जी हाँ, मतलब आपके पास 5 थान आए हैं, आपने लेकिन एक पहला नंबर जो थान था उसकी तो फ्रंट काट दिया, और दूसरे नंबर थान को बैक के अगेंस्ट में रख लिया आपने पास। नहीं 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 सर, पहले नंबर थान को में से ही हमने फ्रंट काटा है और पहले नंबर थान में से ही हमने बैक काटा है, दूसरा नंबर का फिर हम दूसरे नंबर क्लिक कर, लेकिन बैक हमने काटा नहीं है, बैक को हमने एज ए मीटर रखा हुआ है, ये कह रहे हो आप? हाँ, वो एक नंबर के हिसाब से ही आएगा, जब भी हमारे पास आएगा तो वो एक नंबर हम ना उसको मार्किंग करके भी देते हैं कि हमें पता रहे ये एक नंबर का फ्रंट है, तो ये एक नंबर का बैक जब जाएगा स्टिचिंग पे तो उसमें मर्ज होगा, ताकि उसमें कलर वेरिएशन ना आए हमारे पास।
हम ऐसे करके रखते हैं। ओके तो बेसिकली आप जो थान आता है डाई होके आपके पास, उसको जो है नंबर वाइज मार्किंग करके रखते हो अपने पास कि अगर पांच थान आए हैं बीस बीस करके, तो मैंने उसकी एक मार्किंग कर दी अपने सिस्टम में। हाँ जी। और जिस मार्किंग थान में से मैंने फ्रंट पीस काटा और जिसमें बैक रखा उसी था एक नंबर में से मान लो। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही करते हैं। तो मैंने मतलब... जो पल्ला काटा फ्रंट वाला, मैंने जो पल्ला काटा, जो मैंने फ्रंट पल्ला काटा अकॉर्डिंगली मैंने उसको कर दिया पीस वाइज एम्ब्रॉयडरी के लिए। और बैक में मेरे पास मीटर वाइज कपड़ा पड़ा हुआ है। हाँ जी। और इसके अंदर जो मेरा बैक वाला कपड़ा है वो अब सीधा मैं कहां सिर्फ स्टिचिंग में कंज्यूम होगा। हाँ जी स्टिचिंग कंज्यूम इसी में होगा, बस वो स्टिचिंग लेवल पे आएगा। हाँ स्टिचिंग लेवल पे आगे कंज्यूम होगा, लेकिन वो मीटर वाइज इश्यू होगा या पीस वाइज इश्यू होगा? वो दोनों इश्यू होता है सर उसमें एक्चुअली। जैसे हम मीटर के आगे पीस लिख देते हैं कि इस मीटर में आपको इतने पीस निकलेंगे। जैसे हमने फ्रंट काट रखा है ना, जैसे हमने 8 पीस एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया था, तो जब हम मीटर उसको लिख करके देते हैं मीटर भी कि ये आपके पास 10 मीटर का थान है और ये एक नंबर का थान है, इसमें 10 मीटर है और इसमें 8 पीस आपका बैग का निकलेगा। ठीक है समझ गया मैं। तो बेसिकली ये हो गया कि मेरे पास जो थान मीटर में है मैं उसको एवरेज क्वांटिटी दे देता हूँ कि पर पीस की ये क्वांटिटी है, इतने मीटर कपड़ा हम आपको दे रहे हैं, तो इसका बैक काटने के लिए बैक काट ठीक है। उस केस में, इस केस में फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डाइंग वाला प्रोसेस है ना, डाइंग वाला प्रोसेस जो होगा हमारा, क्योंकि जो पल्लों वाला सिस्टम हम बता रहे हैं फ्रंट और बैक वाला, जो डाइंग वाला प्रोसेस है या तो हम उसको सेपरेट रखें, मतलब उसको सेपरेट ऐसे रखें कि हम क्या करें डाइंग के लिए इश्यू कर दें फैब्रिक, इसको भी दे रहे हैं ठीक है। वहां से जब रिसीविंग आएगी तो मेरे पास इसमें दो तरह का स्टॉक मेंटेन होगा। वैसे तो ये हमने शायद लास्ट टाइम भी सेम चीज लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल, कि मेरे पास जो ग्रे फैब्रिक है वो मान लीजिए 100 मीटर पड़ा हुआ है, जिसके मेरे पास 20 मीटर के 5 थान पड़े हैं ठीक है। उसके अंदर से मान लीजिए मैंने 3 थान इश्यू कर दिए एक सिंगल कलर के लिए, मैं कहता हूँ वो ब्लू कलर के लिए दे दीजिए, तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो ग्रे फैब्रिक है वो तो रह गए 2 थान और ये मेरे पास आ गए 3 थान। अब जब मैंने पीस काटने हैं तो पीस में से क्या होगा, जितने पीस मैं काट रहा हूं आपने कहा जी, जैसे मुझे आपने बोला है कि 5 पीस की एग्जांपल ले रहे हैं या 10 पीस की एग्जांपल ले रहे हैं, तो 10 पीस मैंने फ्रंट के काटे और इश्यू कर दिए एम्ब्रॉयडरी हो गया। रेस्ट क्वांटिटी जो है ब्लू फैब्रिक की तो मीटर में स्टोर हो रही है। विचार कोई फॉर टीचिंग ये जो पल्ले काटते हो आप फ्रंट वाले, उसके ऊपर कोई लेबलिंग या कोई कोडिंग वगैरह करके देते हो आप? नहीं हम मार्किंग कर देते हैं, जैसे एक नंबर का करा तो हम एक नंबर लिख करके देते हैं कि वो मिसमैच ना हो। अच्छा तो मार्किंग आप जो करते हो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा दीपक जी, एक सेकेंड दीपक जी बिजी नहीं थे, वी वर ट्राइंग टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स इन आवर एंड, एक बार आई थिंक वो आप समझ लो उसी में, एक बार पुट अक्रॉस एवरीथिंग एंड देन देख लेते हैं। आई थिंक आई वुड नीड अ फिजिकल मीटिंग फॉर दिस।
एक बार पहले अमित ये वाला दीपक जी हेलो आप म्यूट पे हो आई थिंक और कितने मीटर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी राइट जी राइट तो दीपक ये तो हम जो अभी अभी आपने लिखा ये एक इशू है एक 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 चीज और आपको बतानी थी जो हमें चेक करनी है अगर वो उसका भी हमारे पास प्रोसेस रहता है तो एक बार ये वाला जी मतलब हमें एक्सप्लेन करोगे सर जैसे कि हमने जो 50 पीस का जो हमने प्लान करा था तो हमने डाई पे तो 50 पीस का ही दिया अच्छा उसने ना कपड़ा 50 पीस के ला करके दे दिया ठीक है सर। अब जब हम उसको थान वाइज में लेते हैं ना जैसे कि जैसे हमने जब हम उसको हम थान वाइज लेते हैं तो कई बार ना वो थान अनकट हो जाता है तो उससे क्या होता है ना कि हमारा मतलब पीस शॉर्ट हो जाता है एक या दो पीस जैसे 100 पीस बना 50 पीस बनाते बनाते ना पता चलता है किसी में तो वो 50 हो जाते हैं किसी में ये होता है कि अब ये पीस 48 ही बन रहे हैं इसमें मतलब दो पीस शॉर्ट हो गए अभी कैसे बनाऊंगा ये भी प्रॉब्लम आता है मतलब जैसे कि प्रोडक्ट बनाते बनाते श्रिंकेज तो ठीक है श्रिंकेज के अलावा भी आगे सारे आगे हमारे पास जैसे टोटल मीटर में हमें 200 मीटर शो हो रहा है लेकिन वो 200 मीटर है ना वो जैसे हमें 25-25 मीटर का थान चाहिए तो वो किसी में 24 आ गया किसी में 26 आ गया तो वो एक एक मीटर हमारा वेस्ट जाता है जिसको यू नीड बेसिकली अ रनिंग फैब्रिक जो रनिंग में नहीं है तो उसके चक्कर में वो पूरा एक मीटर वेस्ट हो गया। आई मीन आई एम श्योर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मतलब जनरली भी होती है इनमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में ये हम डाइंग प्रोसेस के बाद जो हम दे रहे हैं जैसे आपने बोला कि 50 पीस का प्लान किया हमने तो मान लीजिए मैंने 50 पीस के लिए 100 मीटर कपड़ा दिया हाँ तो 100 मीटर में मैं बोलता हूँ 5 थान दिए मैंने अब इसमें सारे थान 20-20 मीटर के हैं ये जरूरी नहीं है उसमें से कुछ 18 का भी था कोई 21 का भी आ जाते हैं तो वो ना अनकट हो जाते हैं कहना कि कोई एक एवरेज नहीं बैठ पाता है तो कोई 25-30 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक का जो होता है ना वो वेस्टेज चला जाता है हमारा वो हम छोटा भी नहीं कर सकते और बड़ा भी नहीं कर सकते हैं तो वो जैसे कि किसी की 5 थान में से करके हमारा किसी में आधा मीटर ज्यादा हो गया किसी में मतलब जैसे कि कम हो गया तो वो करके ना 1-2 पीस कम हो जाते हैं लास्ट में कई बार वो चीज स्टिचिंग पे जाके समझ में आता है कि अब यहाँ पे फैब्रिक शॉर्ट हो रहा है तो ये जब इश्यू करते हैं हम क्योंकि जब हमारे पास कोई फैब्रिक आता है तो बट ऑब्वियस है कि वो थान में ग्रे फैब्रिक आ रहा है तो उसको जो हमने उसने हमें लिख के दिया हम उसी को ही मान के उसकी एंट्री डाल देते हैं सिस्टम के अंदर कि उसने कहा 20 मीटर है तो 20 मीटर डाल दिया तो हो सकता है वो 21 मीटर हो सकता है वो 28 जब हम उसको 2800 क्योंकि हम उसको खोल के और दोबारा रोल तो करते नहीं होंगे वो तो जो एज इट स्थान आया आपको बोला हाँ तो अगर 20 मीटर के 5 स्थान मैंने बोला भेजे हैं तो आपके पास निकल के लाइट से तभी पता लगा कि 95 मीटर है मेरे पास तो जब हमने क्यूसी करा मैंने स्थान वाइज मार्क हाँ क्यूसी करा तो थान वाइज मैंने मार्किंग कर दी कि मेरे पास कौन सा थान 15 मीटर का है बाकी 20-20 मीटर का है जैसा भी है कोई थान 18 का है कोई 19 का है बाकी 20 के हैं इस तरह से ठीक है हाँ जी बेल वाइज हमने उसको ठीक है अब आपके पास वो आ गया अब जब आप उसको इश्यू करोगे तो आपके पास बट ऑब्वियस है कि जब आपके पास ये रिपोर्ट हम अगर आपको ऐसे दिखाएं ये बेल वन है ये 20 मीटर का है आइटम आपका ले लेते हैं कोई भी एक आइटम हमने एबीसी पर कर लिया आरएम एबीसी फिर ये मेरा बेल टू है ये 19 मीटर का है क्योंकि आप क्यूसी कर रहे हो तो सिस्टम में डाल रहे हो उसके बाद ये बी थ्री है ये आपका 18 मीटर का है ऐसे ही मार्किंग करते होंगे आप कुछ हाँ जी बिल्कुल सर थान वाइज बेल वाइज तो इसे इस केस में ये बताइए कि जब आप उसको इश्यू करते हो डाइंग के लिए
तो आपको पता होता है कि भी इस स्थान में 20 बीटर है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, बराबर है? नहीं नहीं, जब हम ये तो हम रिसीव करे हैं उसका बता रहे हो ना, इशू में तो हम जैसे कि 100 मीटर का भी थान आता है, हमने 100 मीटर दे दिया उसे, लेकिन वो इकट्ठा कहता है 100 मीटर डाई नहीं हो पाता है, हम हमारे मतलब छोटा पतीला है या कुछ भी है, तो वो ना थान छोटा कर देता है, दो या तीन थान में कर देता है उसको हमारा, वहां पे हमारा सारा एवरेज गड़बड़ होता है, क्योंकि हमने तो एक मोटा थान दिया तो उसमें हमें पूरा पता चल रहा है कि हमारे 100 मीटर में इतने पीस निकल रहा है, लेकिन जब वो तीन कर दिया ना तो वो वहीं पे हमारा मतलब जैसे कि एवरेज गड़बड़ हो जाता है, तो कई बार संभावना होता है कि वो पूरा भी हो जाए, कई बार संभावना होता है कि वो तीन पीस कम हो जाए हमारा तीन थान में, जब वो तीन थान करा तो तीन पीस भी कम हो सकता है। उसके अंदर दो चीजें हैं, जितनी भी हम ठीक है उसमें क्या होता है, जो प्लानिंग हम बना रहे हैं ना, प्लानिंग तो मेरी कुछ भी हो सकती है, 50 पीस की भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मुझे रॉ मटेरियल मैं 50 पीस के हिसाब से दे रहा हूँ वो भी ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो मैं 50 पीस के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन जब मेरे पास कहीं पे शॉर्टेज आती है तो मैं उसकी रिसीविंग जो है वो शॉर्टेज के तौर पे कर सकता हूँ, कि मैंने कहा 48 पीस बने इसके अंदर, दो पीस जो किसी भी वजह से वो रीजन हम बता देते हैं कि वो शॉर्टेज क्यों हुई, वो रिसीविंग मतलब वो रिसीविंग क्यूसी के बाद होगा, वो रिसीविंग क्यूसी के बाद होगा जब यहाँ पे मेरा फिनिश आइटम का क्यूसी होगा उसके बाद होगा। ओके सर ठीक है, मतलब आप वही कह रहे हो ना? हाँ जी हाँ, मतलब जो आपका फिनिश आइटम का क्यूसी होगा जब हमने उसको इश्यू किया कि भाई 50 पीस के लिए इतना कपड़ा दे रहे हैं इसको डाई कर दो आप, तो उसने 50 पीस के लिए जो कपड़ा डाई किया जब वो बन के आया वापस मेरे पास, तो मैंने जब देखा तो 48 पीस ही बन सकते हैं उसके अंदर, तो मैंने उसके अंदर क्या किया, क्योंकि मैंने मटेरियल तो 50 पीस का इश्यू किया था उसको, लेकिन वो श्रिंकेज हो गया या कुछ किसी भी वजह से थान में क्वांटिटी कम थी या जैसे भी, तो मेरी जो कॉस्टिंग है वो मेरी कॉस्टिंग तो मेरी 50 पीस की ही लगी है उस पर, लेकिन जो आउटपुट है वो मेरे को 48 पीस आ रहा। यहाँ पे जब हम रिसीविंग लेते हैं और दो पीस जो मेरे कम आ रहे हैं मेरे पास उसको हम शॉर्टेज में डाल देते हैं या रिजेक्शन में डाल देते हैं या वेस्टेज में डाल देते हैं, ये वेस्ट हो गया या शॉर्ट आ गया, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो कॉस्टिंग है अगर इसको बनाने में 5000 रुपए लग रहे हैं तो 5000 ये जो होंगे 5000 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा पर पीस के लिए, ना कि 50 होगा। ठीक है, नहीं तो वो तो है, लेकिन हमें तो 50 पूरा ही करना होता है, तो इसमें फिर हम फैब्रिक वगैरह देंगे वो बिल्कुल, अगर आप 50 पूरा करते हो ना तो आपको जब 48 पीस आपने देख लिए कि मेरे अब आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें से 48 पीस ही बन रहे हैं, जैसे आपने जब इशू किया मेरा एक्चुअली सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, आपकी कुछ शायद कम्युनिकेशन हमारी रहेगी, मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि मेरे पास ये तीन थान पड़े हैं अलग अलग मीटर के, तो मैं जब रॉ मटेरियल इशू करता हूँ अपने डाइंग वाले को तो मुझे पता होता है कि मैं तेरे को B1 दे रहा हूँ भैया और B3 दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसको 38 मीटर दे रहा हूँ, बराबर है? तो 38 मीटर में मेरे कितने पीस निकलेंगे वो मुझे पहले से एवरेज पता है, पहले से पता है, और जो पीस वाइज एवरेज है अगर मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा भी देना है तो अगर मैं कट पीस देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कट पीस काट के देता हूँ या मैं पूरा का पूरा थान देता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं B1 में से निकाल के दे रहा हूँ उसको, B1 में से मैं 10 मीटर निकाल के दे रहा हूँ, इसका मतलब 48 मीटर उसको चला जाए, ऐसा है, ऐसा होता है या नहीं होता, मतलब आपसे जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, ऐसा ही होता है सर। और अभी जब स्टॉक दिखूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं जैसे जब वो हमारा 18 मीटर है जो B3 थान है हमारा 18 मीटर का, तो 18 मीटर तक तो हमें समझ में आता है कि ये 18 मीटर में हमारा मतलब जैसे कि 7 या 8 पीस जो भी निकल 7 पीस निकलेगा, ठीक है हमने आगे उसको कर दिया, लेकिन वो क्या करा ना कि वो कहता है जी हमारा मतलब डाई मतलब 18 मीटर पूरा नहीं हो पाएगा, मैं इसको 9 मीटर कर दिया, अब जैसे ही वो 9 मीटर हुआ तो वो हमारा मतलब कैलकुलेशन बिगाड़ दिया सारा। अच्छा वहां पे जो गड़बड़ हुआ उस गड़बड़ के लिए देखिये वो मेरी वेस्टेज है बेसिकली,
जब उसने उसको 9-9 मीटर में कर दिया, उसने कहा मैं 9 मीटर एक करूंगा, 9 मीटर एक करूंगा, 18 मीटर में मेरे 7 पीस निकल रहे थे। लेकिन जब वो 9-9 मीटर में कर रहा है तो भाई या तो मेरे पास उस पे क्या निकलेंगे, 6 पीस निकलेंगे। हाँ जी। और जो बाकी जो बचेगा कपड़ा, मान लीजिए 9 मीटर में से 2 मीटर रख दिया, वो मेरी वेस्टेज है, वेस्टेज जाता है। तो मेरा क्या हुआ, 2 मीटर की वेस्टेज हुई और उसके अंदर 1 पीस कम आया, लेकिन ये जो वेस्टेज हुई ये मेरे को, मैं कहीं रीयूज कर सकता हूँ अगर, तो ठीक है, नहीं तो मेरी प्लानिंग मान लो 7 पीस की थी लेकिन आउटपुट मेरे पास 6 पीस का आया, तो बात वही आ गई कि अगर मैंने 700 रुपए का कपड़ा बढ़ाया डिवाइडेड बाय 6 पीस बन के आए, तो मेरे को सिस्टम बता देगा कि सर प्लानिंग 7 की थी आपकी लेकिन रिसीविंग 6 हुए हैं, क्योंकि एक वेस्ट हो गया आपका ये कपड़ा, वो मतलब इंक्लूड हो जाएगा मतलब। हाँ, जब आप एंट्री डालते हो तो सिस्टम में यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास कि भाई आपके पास जो रिसीविंग आई है वो कितनी आई है, जैसे आपने बोला 5 पीस की जगह पे मैं बोलता हूँ 4 पीस आए हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 पीस आए हैं तो 1 पीस कहाँ गया, 1 पीस मेरा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया तो उसमें आरएम कंजम्पशन क्या आया, आरएम कंजम्पशन में मैं डालता हूँ कि कौन सा फैब्रिक मेरा वेस्टेज में चला गया, यहाँ पे वेस्टेज क्वांटिटी होती है ना, मैंने 10 मीटर दिया उसको लेकिन उसने क्या किया, 10 मीटर में से 2 मीटर वेस्ट हो गया, तो कंजम्पशन 8 मीटर की हुई है मेरी, ठीक है, तो ये वेस्टेज की रिपोर्ट भी आ जाएगी। पीस पूरा करने के लिए फिर हमें आगे इशू करना पड़ेगा फैब्रिक। हाँ, वो फिर अलग से दोबारा इशू कर सकते हो, अगर आप कहते हो जी 7वां पीस मेरे को बनाना है, फिर बनाना, आप उसमें क्या करते हो, जो आप उसमें क्या है ना सर, बनाना हमें इसलिए क्योंकि हमारा बॉटम और दुपट्टा तो हमारा पूरा पूरा हो गया 50-50 या 7-7 पीस का हो गया, लेकिन शर्ट हमारा 6 बचा तो हमारा तो डबल वेस्टेज हो जाएगा ना, इसलिए हमें वो 1 पीस बना करके उसको तैयारी करना पड़ता है बनाना। उस केस में क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, आप एक एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल फैब्रिक का इश्यू करोगे, उसकी फिर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी। अगर 700 रुपए के साथ मैं बोलता हूँ जी 700+ मेरा 90 रुपए का ये मटेरियल ऐड हुआ, फिर आपकी ये 790 रुपए की कॉस्टिंग आएगी इसमें, ठीक है, थान तो मेरा 700 का था, अभी 1 पीस के लिए मैंने एक्स्ट्रा दिया है, उसकी एक एंट्री लगेगी सेम सिस्टम के अंदर, एक तो आपने उसको दे दिया था उसी टाइम पे, दोबारा जब उसको आप देने लगे तो आप यहाँ पे उसकी एक एंट्री और डाल देते हो कि मैं मैनुअल फैब्रिक दे रहा हूँ उसको, इनर का ग्रीन का, ये मेरे पास 476.70 मीटर पड़ा हुआ है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 2 मीटर निकाल के दे रहा हूँ एक पीस बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास जब स्टॉक बचेगा, ये 2 मीटर जब मैंने दे दिया तो मेरे पास जो स्टॉक बचेगा वो 2 मीटर लेस करके बचेगा, क्योंकि ये स्टॉक आपको यहाँ दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है 476.70 और ये मीटर का लेस, ये रिपोर्ट में शो करेगा जब हम करेगा, जैसे हमने ये जो आप जॉब और ये जब आप यहाँ चूज करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, आप पूरा करो, आप पूरा करो जैसे कि मैंने जो ये जॉब आइटम है मेरा, जो भी मतलब मेरा आर्टिकल नंबर चल रहा होगा, मतलब जो डिजाइन नंबर चल रहा होगा, तो उसके उसके अगेंस्ट मतलब वो शो करेगा ना, मतलब शो करेगा बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने आपको सबसे पहले जैसे बात बताई थी कि मेरा एक मास्टर जॉब कार्ड बना, पेरेंट जॉब कार्ड, मैं जब भी कोई मटेरियल इशू करूंगा बिना उसको सिलेक्ट किए इशू नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर उसमें मतलब मैं यहाँ पे, हाँ मतलब जब ये जो देख रहे हो ESC 249 के लिए मैं इशू कर रहा हूँ, और ESC 249 क्या है, वो मेरा वो मटेरियल मेरा मास्टर जॉब कार्ड है जिसके अंदर मैंने बोला मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, तो जब भी मैं कोई रॉ मटेरियल इश्यू करूंगा मैं उस ESC 249 के अगेंस्ट में ही इश्यू करूंगा, और उसके किस प्रोसेस के लिए कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे आएगा कि मैं डाइंग के लिए कर रहा हूँ या किसके लिए कर रहा हूँ, किस वर्कर को कर रहा हूँ वो भी आएगा, किसी ने खराब कर दिया उसके अगेंस्ट डाल रहा हूँ वो सब भी आ सकता है इसमें, तो वो सारा वो, क्योंकि यहाँ पे जब इसमें रीजन डालते हो ना इश्यू कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इश्यू करने का यहाँ पे रिमार्क्स रीजन आता है, देखो रिमार्क्स देख रहे हो आप, रिमार्क्स में हम रिमार्क्स डालेंगे कि मैं एक्स्ट्रा इश्यू कर रहा हूँ ड्यू टू, और इसको अप्रूवल के लिए भी डाल सकते हो, जैसे अगर मान लो मैंने एंट्री डाल दी कि मेरे को ये डाल देना है, लेकिन आप कहते हो नहीं सर ऐसा नहीं, बिना किसी प्रोडक्शन हेड की या एडमिन की इन्फॉर्मेशन की ये एक्स्ट्रा पीस नहीं जाने चाहिए। हाँ, ये मैंने डाल तो दिया लेकिन वो इश्यू नहीं कर सकता मैं,
ये चीज जरूरी है ना कि जब अब दो पीस कम हो रहा है तो उसका जवाब हाँ पहले हो जाए, उसके बाद देखते हो तब हाँ उसका जवाब किसके पास था वो जब तक मेरे पास आंसर वो आप यहाँ पे क्या करते हो, पहली चीज तो ये इसको जनरली कैसे किया जाता है, ये एंट्री जो होती है ना एक्स्ट्रा इश्यू वाली वो प्रोडक्शन हेड को दी जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन हेड के पास सारी डिटेल होती है कि भाई मेरे को कितना स्टॉक पड़ा है, कौन सी पीस का क्या स्टेटस है, क्योंकि सारी रिपोर्ट उसको आ रही होती है यहाँ पे प्रोडक्शन स्टेटस के अंदर, ए टू जेड रिपोर्ट उसको मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंगली क्या होता है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे इश्यू रजिस्टर में एक नई कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, इश्यू रजिस्टर फॉर एक्सेस मटेरियल, जो हम एक्स्ट्रा इश्यू कर रहे हैं ये तो हो गया स्टैंडर्ड इश्यू जो मेरा वेयर हाउस वाला कर रहा है, जहां पे क्या होगा प्रोडक्शन हेड एक एंट्री डाल के उस पे स्टैंप लगा के दे देगा, फिर वो इश्यू कर सकता और वो बंदा वहां पे उसको सिंपल हैंड ओवर कर देगा, इश्यू कर देगा बस, कल को ट्रैक करना सारा हो जाएगा, उसने बोला तो हमने ठीक है। दीपक जी मेरे कुछ जी एक दो प्रैक्टिकल जो वो होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो मुझे इम्प्लीमेंट करना है या प्रैक्टिकली जो मैं बेसिकली हिकअप्स आते हैं मुझे बीच के बीच में, मेरे को कुछ वैसे भी पॉइंट्स और भी डिस्कस करने हैं, तो आई थिंक हम अभी स्टिल दूसरे प्रोसेस पे हैं, सेकंड प्रोसेस बिल्कुल प्रोसेस पे ही है, ये वाला मेरी तरफ से पेंडिंग, पहले वाला मेरी तरफ से पेंडिंग है अभी, ये जो आपने मुझे पूछा था ना ये वाला, ये मेरी तरफ से पेंडिंग है, वो मैं अपने टीम के साथ जो टेक टीम है उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि ये पल्लों का जो सिस्टम है उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये वाला मुझे क्लियर है, ये मैं फिर भी उनके साथ डिस्कस करूंगा। दीपक हाँ मुझे यही समझ आया दीपक कि मतलब हम जितना और ब्रांच आउट करेंगे हम और जितने सब मास्टर्स या मतलब वो चीज ऐड करेंगे वो और कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, तो इनिशियली क्या है अभी जैसे मैं आपसे समझ रही हूँ इट्स अ वेरी जो हिकअप्स है वो बहुत छोटी चीजें हैं, जब मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली कर रही हूँ, जब मैं सिस्टम में कर रही हूँ तो वो तीन चार प्रोसेस है जो कॉम्प्लिकेशन देंगे, तो जो सेकंड फर्स्ट पॉइंट जो आपकी तरफ से पेंडिंग है मेरा ये उस पर था कि द लेसर प्रोसेस वी हैव टू इनपुट ऑन द सिस्टम उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं देखो शीना जी मैं उसमें बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करूंगा, लेकिन ये मैं थोड़ा आपको इस चीज के लिए भी कंसर्न रखूंगा, जितनी डेटा एंट्री हम सिस्टम के अंदर करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अननेसेसरी डेटा एंट्री करेंगे, जो रिक्वायर्ड डेटा एंट्री, जैसे अभी आपका ही क्वेश्चन था आपके जो टीम मेंबर है कि मैं किस प्रोडक्ट के लिए किस जॉब ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, तो जब हम मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि जब मैंने जॉब ऑर्डर यहाँ चूज किया होगा तब आपको शायद लगा होगा कि ये बार बार क्यों चूज करना पड़ रहा है, राइट, ये मेरे को क्यों चूज करना पड़ता है मास्टर जॉब ऑर्डर, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी लिंकिंग क्रिएट करनी चाहिए। हाँ 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 नहीं ठीक है उसमें इंफॉर्मेशन, हाँ वो जो स्टैंडर्ड एसओपीज है ना, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मेरा, उसके जो स्टेप्स हैं हमारे वो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर हम मेंटेन करेंगे, कुछ एक स्टेप्स रहेंगे जो माइट भी शुरू में आपको लग सकते हैं एक्स्ट्रा है माइट भी, क्योंकि अभी शायद आप उसको कर नहीं रहे हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोसेस होंगे मेरे कि इसके बिना हमारी रिपोर्टिंग हमारी जो ट्रेसिबिलिटी है वो नहीं आ पाएगी, है ना, वो जरूरी होंगे, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं कि अननेसेसरी बढ़ाते जाएं, क्योंकि देखिए एंट्री का जो फ्लो है ना आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ, सबसे पहले आपका जॉब ऑर्डर बनता है, मतलब एक मास्टर जॉब ऑर्डर मास्टर बनता है, प्लानिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, आपने जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनाया उसके बाद आप क्या करते हो उसको आप इश्यू करते हो फॉर प्रोसेस टू योर वर्कर, जो आप अभी कर भी रहे हो एक्सेल के अंदर, फिर आप उसको आरएम इश्यू करते हो, उसके बाद उससे रिसीविंग लेते हो, सेम वही फिर क्या कर रहे हो, सेम यही तीन चीजें दोबारा से होती है सेकंड प्रोसेस के लिए, फिर ये होती है चौथे प्रोसेस, मतलब काम सारा सेम है, एंट्री फ्लो सेम है, जब हम इश्यू फॉर वर्कर करते हैं तब मुझे दो चीजें चाहिए, पहला तो चाहिए प्रोसेस, दूसरा चाहिए जॉब ऑर्डर नंबर, ये जो मेरा जॉब ऑर्डर नंबर है, तीसरा मुझे चाहिए उसका जो मैंने असाइन टास्क किया है उसको मैं जो हाँ जॉब ऑर्डर नंबर ये चाहिए, जब मैं ये इश्यू फॉर प्रोसेस करता हूँ रॉ मटेरियल इश्यू करता हूँ तब मुझे ये चाहिए तीनों चीजें, प्लस यहाँ पे हमें चाहिए होता है उसको जो मैंने टास्क इश्यू किया उसका चालान नंबर जिसको बोलते हैं, जो वो टास्क बेसिकली हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे चालान इश्यू कर रहे हैं,
चलान इशू कर रहे हैं, हम चलान बना करके जो देते हैं ना उसको वो टैक्स चलान नंबर है आपका, उसके बाद उस चलान के बीच में हम आर एम इशू कर रहे हैं, फिर हमें वो रिसीविंग दे रहे हैं। जब हम रिसीविंग लेते हैं तब हम डालते हैं कि मेरे को रॉ मटेरियल कितना वापसी आया, कितना वेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो एमजी प्रोडक्ट है उसकी रिसीविंग कितनी हुई, क्योंकि दो तरह का आ गया। ये सारा वही प्रोसेस है जो अभी आप कर रहे हो, थोड़ा सा ये डिटेलिंग में है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसको डिटेलिंग में करो, क्योंकि ये तो मेरा स्टैंडर्ड है, इसके बिहाव पे ही मेरी, क्योंकि ये अगर आप यूज नहीं करोगे फिर आपको मेरे मेरे हिसाब से ईआरपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा जो कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि जो ये मैं एक शीट पे देख रहा हूँ उसके अंदर मुझे लिंकिंग देखनी है, मैं ये वाला जो सेकंड प्रोसेस है कि मैंने क्या एक्स्ट्रा इश्यू किया, मेरे को अभी चेक और वेरियंस नहीं बन रहे, मेरे एंट्री तो मैं कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर, लेकिन मेरे पास उसको एक लाइन में रिपोर्ट नहीं आ रही कहीं पे। अगर मुझे ये देखना है, आपने इसे मल्टीपल शीट डाली नहीं, इस पे ये यहाँ पे स्टिचिंग में चला गया, जिस डिस्पैच भी अभी पेंडिंग है, ये क्या है, मुझे पूरी की पूरी यहाँ पे शीट के थ्रू देखना पड़ रहा है सिस्टम, ठीक है। ये अभी मेरे लिए कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कॉस्टिंग बनने के बाद सारी चीज होती है, ये आपकी रियल टाइम बेसिस पे सबसे मेन चीज तो वो चाहिए ना। हाँ, मतलब ये जैसे आप एंट्री डाल रहे हो वो साथ ही साथ आपको रिपोर्टिंग मिल रही है, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फाइनल हो गया, अब आपको पूरा एक हिस्ट्री मिलेगा इसका, करेक्ट, ए टू जेड। तो वो है, अगर उसके लिए मेरे एसओपी फिक्स है स्टैंडर्ड वाले, ये वाले स्टैंडर्ड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये वाला जो प्रोसेस बताया, जैसे ये आर एम इश्यू किया मैंने, ये तो चालान नंबर पे कर दिया, अगर मैं एक्स्ट्रा आर एम इश्यू करता हूँ तब भी मेरे को सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है, ये सब ब्रांचेस आपकी ऐड होती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, ये एंट्री लेवल है मेरा, जो मैं पर्टिकुलर किसी एक एडमिन लेवल पे एडमिन टीम को देना चाहूंगा। ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे ना, उसके अगेंस्ट गया है, किसके अगेंस्ट गया है, वो तो सही कह रहे हैं वो। तो मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि हम कोई भी एंट्री लेवल को कॉम्प्लेक्स जब तक मान रहे हैं तब मान रहे हैं, जब तक हमें उसका यूज थोड़ा आइडिया कम है, मतलब मैं उसका बेनिफिट नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर तब मुझे वो कॉम्प्लेक्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। लेकिन अगर मुझे उसका कोई यूज है, क्योंकि देखिए कोई भी फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर अननेसेसरी नहीं बना होगा, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि मैंने डेवलप करवा दिया या हो गया कि भाई जरूरत नहीं थी फिर भी बना दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री में उसका कोई ना कोई यूटिलाइजेशन है, कोई ना कोई उसका यूज है, तभी ये पूरा का पूरा मेन्यू अपने पास यहाँ पे इतना दिखता है। हाँ, ये जरूर है कि हम क्या करें, हम इसको मल्टीपल सेशन में लेके जाएं। सिंगल सेशन में क्या होता है कि हर किसी को सारी चीजें टाइम टू टाइम ध्यान में नहीं आती, ये जैसे दो पॉइंट एक बेसिक फ्लो मैंने जो बताया इसमें से एक पॉइंट मैं कंफर्म करता हूँ अपनी टीम से, ये वाला मुझे कंफर्म है जो मैंने बता दिया, ये एक बेसिक फ्लो है आपका। इसके अलावा कोई और अगर आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, यही जो सब पॉइंट्स से चीजें है ना इन्हीं के रिगार्ड में है, पर अभी हम अपने आगे के प्रोसेस समझने के लिए एक कॉल और रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक कॉल और रख लेते हैं, वो चाहे आप कल का रखना चाहो कल का रख लो, कल का ही रखते हैं। मैं कल का भी कैलेंडर फ्री है, आप बताओ 11 बजे 12 बजे जब भी आप अवेलेबल। मैं वही बोल रही हूँ, मैं एक बार शाम तक 4-5 बजे तक आपको कंफर्म कर देती हूँ, शांति को कंफर्म कर देती हूँ, जैसे आप बोलो।